पुष्पास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं नई रेसिपी लेकर आई उपमा बनाने की। उपमा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली, एक चम्मच मैंने उड़द की दाल ली, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते लिए, थोड़ी सी मैंने मूंगफली और काजू लिए, एक बारीक कटी हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते लिए, एक बड़ी साइज का प्याज लिया, प्याज को मैंने बारीक काट लिया, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया, नमक अपने स्वाद अनुसार, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया, आधा चम्मच मैंने राई ली, एक टमाटर को मैंने बारीक काट लिया। चलते हैं गैस की तरफ उपमा बनाना शुरू करें। गैस ऑन कर देती हूँ, गैस पर तपी नहीं रख लेती हूँ। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने पानी लिया। उपमा बनाने के लिए मैं 3 कटोरी पानी ले लेती हूँ। उपमा बनाने के लिए हमें पहले पानी गर्म करना है, इसलिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली और 3 कटोरी मैंने पानी लिया। उपमा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, सूजी के बराबर हमें 3 गुना पानी लेना है। पानी का एक उबाल आने तक पानी को हमें गर्म करना है। पानी का एक उबाल आ चुका, अब मैं पानी को हटा लेती हूँ। पानी को मैंने गैस से हटा लिया, अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ। गैस पर कढ़ाई रख देती हूँ, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। अब मैं कढ़ाई में 1 कटोरी सूजी डाल देती हूँ। गैस को लो फ्लेम पे रखे सूजी और घी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सूजी को भूनने के लिए हमें 1 चम्मच घी लेना है, आप घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। सूजी को हमें इतना भूनना है इसका कच्चापन निकल जाए, इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। हमारी सूजी का कच्चापन निकल गया, अब मैं सूजी को 1 प्लेट में निकाल लेती हूँ। सूजी का मैंने कच्चापन निकाल कर 1 प्लेट में निकाल दिया, आप देख सकते हैं। इसका हमें सिर्फ कच्चापन निकालना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। ऑन कर देती हूँ, गैस पर कढ़ाई रख देती हूँ, कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, तेल को गरम होने देते। तेल हमारा गरम हो चुका, अब इसमें मैं 1/2 चम्मच राई डाल देती हूँ। राई को तड़कने देते हैं, राई हमारी अच्छे से तड़क गई, अब इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच उड़द के दाने डाल देती हूँ। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देती हूँ। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते डाल देती हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और प्याज और कड़ी पत्ते को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। प्याज और हरी मिर्ची को मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें काजू और मूंगफली डाल देती हूँ। मैंने मूंगफली कच्ची ली और काजू भी कच्चे लिए, मैंने फ्राई करके नहीं लिया। आप देख सकते हैं मैंने मूंगफली और काजू और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया। प्याज में मूंगफली डालने से हमारी अच्छे से फ्राई हो जाती है। हम इस स्टेज पर मूंगफली डालते तो हमारी मूंगफली में कड़वाहट नहीं आती है, उपमा हमारा बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर और नमक और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं रोस्ट की हुई सूजी डाल देती हूँ। सूजी और प्याज और मिर्ची और काजू मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सूजी को मैंने रोस्ट कर लिया, इसे उपमा बनाने पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब इसमें मैं गर्म किया हुआ पानी डाल देती हूँ। तो मैंने गर्म करके पानी रखा तो वो पानी मैं डाल देती हूँ। उपमा बनाने के लिए हमें पानी गर्म लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। 1 कटोरी सूजी के लिए मैंने 3 कटोरी पानी गर्म किया था। और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर और सूजी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हरे धनिया के पत्ते डाल देती हूँ। हरे धनिया के पत्ते और टमाटर को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप भी इस तरह से उपमा एक बार जरूर बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बनता है हमारा उपमा। आप देख सकते हैं हमारा उपमा बनकर तैयार हो चुका। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देती हूँ। नींबू का रस डालने से हमारा उपमा बहुत स्वादिष्ट। 1/2 नींबू का रस निकाल लिया, नींबू के रस और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा उपमा बनकर तैयार हो चुका। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो गए ढक्कन हटाकर देखते उपमे को, आप देख सकते हैं हमारा उपमा एकदम खुला खुला है। हमारा बनकर तैयार हो चुका, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने उपमा को एक बाउल में निकाल दिया, आप देख सकते हैं हमारा उपमा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आप एक प्लेट में निकाल कर बता देती हूँ।
आप भी इस तरह से एक बार उपमा बनाकर जरूर खाएं, बहुत स्वादिष्ट बनता है हमारा उपमा। उपमा बनाने का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।